नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस वक्त पहुंची है नीमच की मनासा मंडी, नीमच जिले की मनासा मंडी में। लहसुन मंडी में मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, आइए बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या सोचना है। सर, लोकसभा के चुनाव है, किसान क्या सोचते हैं? किसान तो ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा माल पानी का दबाव है, ये अच्छा हो जाए जी। तो मुद्दे नहीं है बाकी विपक्ष का, एक फोटो इनका 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 भी कुछ इनका कुछ मुद्दा तो है नहीं जी। और हमको तो बीजेपी है, बीजेपी 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 के। तो किसानों को लेकर क्या मांगे? किसानों की आय दुगनी होनी, किसान दुगनी तो वैसी है, किसान तो क्या है कि वैसी दुगनी आय तो हो गई। और कैसे हो गई दुगनी? हो गई, कोई खेत पर आके तो देगा नहीं अपने को, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी है कि नहीं। ये थोड़ा बहुत सोयाबीन का ये भाव है, ये थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो अच्छा रहे। समर्थन मूल्य को लेकर क्या कहना? समर्थन मूल्य किस चीज का? गेहूँ वगैरह का जो किसान मांग कर रहे थे। हाँ जी, किसान का जो गेहूँ का अभी तो मंडी में वैसी चल रहा है। अच्छा बाबू जी, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव में किसान क्या चाहता है? घबरी तो क्या अभी चाहता है तो नहीं, किस तरह से अभी सरकार जो मांग कर रही है पूरी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्या मांग है किसानों की? क्या किसान की मांग तो मेरी है, बताओ सही। किसान की मांग तो कही है, मतलब उन्हें यही चाहे कीमत फसल की दाम क्या बना दो, मतलब जी और कहीं क्या बना। और फिर किसान क्या सोचता है? अच्छा नहीं है, आप बताइए भाई साहब, आप बताइए खुल के किसानों का क्या कहना है चुनाव को लेकर? किसानों का अभी वैसे दौर तो बीजेपी का चल रहा है और जितेगी बीजेपी है, पर हमारा ये मोदी से निवेदन है, ये जो सोयाबीन का है निर्यात खुल जाए तो सोयाबीन का भाव अच्छा मिल जाए तो किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक हो सकता है जी। और भी चाहते हैं वहाँ तो वैसे थोड़ा अच्छा रिजनेबल भाव मिल जाए सबका, तो किसानों को तो यही चाहिए बस होता है। वैसे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी देश के हित में अच्छे काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा बाजार मिल जाए सभी फसलों का। जैसे अभी लहसुन का चल रहा है, लहसुन से अच्छे खुश है आज तक, अभी सोयाबीन से अलसी है रायड़ा है वगैरह वगैरह में अच्छा भाव मिल जाए, मतलब डबल हो जाए। जैसे पहले सोयाबीन में आया था 10,000, कम से कम 8,000 का बाजार हो जाए, किसानों का अच्छा लाभ होगा और बढ़िया ही काम चल रहा है देश के हित में। देश के हित में बढ़िया काम चल रहा है। किसानों का चुनाव को लेकर जावड़ा मंसूर सीट को लेकर क्या सोचते हैं? ठीक चल रहा है। किसानों की क्या मांग है इस समय? किसानों की तो यही है, थोड़ा और आदान प्रदान हो जाए तो सोयाबीन के भाव कम पड़े, सोयाबीन के भाव कम पड़ रहे और ठीक है किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी। वो तो चलता है, किसानों की आय दुगनी हो रही है। हाँ हो रही है, चल रहा है, नस्ल में भी अच्छे मिल रहे बाजार। फिल्म किसानों के लिए CPS पद्धति जो लागू की है उसको अंतर हटाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को रोजगार भी मिल सके लोहे चीरने में, और एक तरह से जो पोस्टर निकालते हैं अपन उसकी थोड़ा अच्छा लाभ मिल सके, मतलब क्वालिटी निकल जाए। उसमें कहते हैं ना सर, ये बहुत क्या है खर्चे वाली खेती, खर्चे वाली खेती अभी उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। लोहे चीरने में क्या, एक तो रोजगार मिलेगा लोगों का और दूसरी चीज़ जो पोस्ता मेन निकलता है उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी तो अच्छा दाम पर ले सकेंगे, उससे भी आई ठीक ठीक हो जाएगी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किसान क्या सोचता है, व्यापारी क्या सोचता है, किस तरह की मांगे हैं आपने? किसान को फसल के उचित दाम मिलने चाहिए। अभी तक इन सालों में किसान को लागत से मूल्य बहुत बढ़ गया है और इनकम की कम हुई है, मूल्य मतलब सभी फसलों के अच्छे नहीं मिल रहे हैं अभी तक। सरकार तो कह रही कि आय दुगनी हो रही है, सरकार वास्तविकता किसानों के आय दुगनी नहीं हुई है, सरकार पैमाने पे रख रही है लेकिन आय अभी तक दुगनी नहीं हुई। किसान सम्मान निधि भी कभी लाभ लिया जा रहा है? हाँ वो तो है, सम्मान निधि मिल रही है जी। किसान क्या चाहता है? किसान को उचित दाम में फसल बिक्री होए और उनको खाद बीज पर्याप्त मात्रा में मिले जी, समय पर मिले। युवा किसान,
लोकसभा चुनाव है, युवा किसान वर्तमान में किसानों की खेती की उन्नति को लेकर किस तरह से सोचता है, सरकार से क्या मांग करता है और क्या कहेंगे, सरकार क्या काम कर रही है किसानों को बारे में क्या बताऊँ। हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं तो अभी, हाँ जी हम सब पढ़ाई कर रहा हूँ आज आते हमको इतना पता नहीं खेती बाड़ी के बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से फसल पैदा हो रही है कम ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, तो हमें कुछ ना कुछ करना करना चाहिए। जैसे अभी भी पानी है, बरसात हो जाएगी तो बाहर की सारी फसल अपनी यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मंडी परिसर में भी कुछ ना कुछ और छाया का प्रबंध होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो लोग लाते हैं धान मंडी में वो बच जाए। जी अच्छा, किसानों को सरकार की ओर से जो योजनाएं दी जा रही है उस योजनाओं को कितना सफल मानते हैं? 50-50 सफल मानते हैं। बाबू जी दोहर से आए, किसानों को सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है लोकसभा चुनाव की, एक क्या कहेंगे किसानों को, क्या मांगे किसान, क्या किसानों की क्या मांगे, किसानों की बहुत मांग है जी। मांग क्या है जो योजना चलाते लेकिन गांव तक पहुंचती नहीं जी, ये हो रहा है। किसानों को क्या मतलब आपकी क्या मांग है, आप क्या सोचते हैं? अपने देखो किसानों के भाव नहीं मिल रही है, वो मंडी में जाते हैं, लोग ये करते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर भटकते, तो व्यवस्था नहीं है किसानों की, किसानों के लिए व्यवस्था है। किसानों का माल नीचा गिरा हुआ है, यहाँ का माल अंदर छाया में रखते हैं। अच्छा, किसानों को बहुत इंग्लिश नहीं आ रही, किसानों को आप क्या कहेंगे बाबू जी? अच्छा, आप साथ में, आप भी साथ में ही था। क्या नाम है आपका? राघवन। कौन से गांव से है? चपला। लोकसभा चुनाव है, किसानों का क्या सोचना है, इस बार किसानों का क्या मूड है, क्या किसानों को लाभ मिल रहा है मंडी में आप आए, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है किसानों का फायदा तो मिल रहा है, पर ये खपरे परे होना चाहिए, किसानों के माल जो खाली होते हैं लगना चाहिए, तो हर व्यवस्था में थोड़ा ये हिमाल में जो भी देते हैं उनसे होना चाहिए। अच्छा, भाव वगैरह जो मिल रहे हैं इससे संतुष्ट है? हाँ, भाव अभी तो भाव ठीक। किसानों की आय को लेकर क्या सोच? आय तो बहुत खर्चा बहुत है, खर्चा तो बहुत है, जैसे 500 रुपये में ये मजदूर आते हैं और इनकी लागत मुझे देखे तो कम। अच्छा, आप में से कोई अफीम किसान है क्या? हमें अफीम के लिए क्या सोचते, अफीम किसान क्या सोचता है? अफीम की लागत मुझे तो बहुत कम, लागत मुझे बहुत ज़्यादा है, मिलता बहुत कम, मिलता बहुत कम। CPS पद्धति को लेकर क्या? CPS तो मेरे नहीं है, मेरे तो चिन्हे हो। हाँ, पर CPS पद्धति को लेकर सोचते क्या है आप? बंद होनी चाहिए, CPS बंद होने से खर्चा तो बहुत है ना, खर्चा बहुत है। तो हमने मनासा मंडी में किसानों से बात की, किसानों का ये कहना है, खास करके जो बात निकल कर आई कि जो लागत लग रही है उसकी तुलना में किसानों को जो लाभ मिल रहा है वो काफ़ी कम है, और मनासा मंडी को लेकर कहना है कि खास करके व्यवस्था यहाँ पर जो है चरमराई हुई है। वॉइस ऑफ MP के लिए विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।